ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां सपा प्रदेश सचिव वसीम अहमद ने किया मतदान। आगे बात होगी लातेहार की, जहां दुकान में चोरी की नियत से गए तीन नाबालिग आग से झुलसे, एक की हुई मौत। साथ ही आगे चर्चा होगी महाराजगंज की, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित करते हुए इंडी गठबंधन पर बोला हमला। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर आजमगढ़ से, जहां छठे चरण के चुनाव को लेकर आजमगढ़ के दोनों लोकसभा में लगातार मतगणना जारी है। वहीं इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव वसीम अहमद अपने ग्राम सभा नारायणपुर नेवादा पहुंचकर मतदान किया। वहीं इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार की पूरी मशीनरी समाजवादी पार्टी को हराने में लगी है। पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं को लाल कार्ड दिया जा रहा है, जगह जगह थाने में बैठाया जा रहा है, ये सरकार अपना आपा खो चुकी है। वहीं आगे उन्होंने बताया कि आजमगढ़ की दोनों लोकसभा सीटों पर एक बड़े अंतराल से जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा लालगंज के प्रभारी जो है हमारे समक्ष मौजूद है। आपका ये ग्राम सभा भी पड़ती है और आप वोट दे के देने के लिए यहाँ पे आए थे, क्या माहौल लग रहा है अब की बार? देखिए 2024 का आज का जो आप चुनाव है, छठवें चरण की जो है मतदान है, बहुत ही शानदार पोलिंग हो रही है। और मैं समझता हूँ कि लालगंज लोकसभा का जो मतदान एक तरफा हो रहा है साइकिल के निशान पर जी, और हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय दरोगा प्रसाद सरोज जी एक ऐतिहासिक लीड कर रहे हैं। जिस प्रकार से देखा जा रहा है वोट प्रतिशत में गिरावट नजर आ रही है, क्या कारण नजर आ रहा है आपको? देखिए गिरावट का एक कारण ये है कि हर बूथ पर जिस तरह से वोटर लिस्ट में नाम काटा गया है, उसका रीज़न ये रहा कि मतदान प्रतिशत जो डाउन हुआ है उसकी वजह यही रही। अब की बार क्या लग रहा है, किन मुद्दों पे जनता वोट देने जा रही है, वोट दी है अब की बार? जो है जनता का जो मतदान है, महंगाई, बेरोज़गारी, पेपर लीक होना, इस तरह के हर एक जो है मुद्दे बहुत सारे हैं। आपको अनगिनत मुद्दे मैं बता रहा हूँ कि मुद्दे कई हैं। बसपा और समाजवादी पार्टी में हर बार जो माइनॉरिटी के लोग बट जाते थे, इस बार क्या लगता है? इस बार देखिए माइनॉरिटी का एक तरफा 99% जो है समाजवादी पार्टी को वोट मिल रहा है। ये आप कैसे कह सकते हैं? बहुजन समाज पार्टी ठीक है, समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, लेकिन आपने सर्च किया होगा, गए होंगे, अपने हिसाब से दौरा किया आपने, तो आपने देखा होगा खुद बखूबी। आप जानते हैं मुसलमानों का वोट एक तरफा पड़ रहा है, क्योंकि लोग जानते हैं अगर भाजपा को कोई हरा सकता है तो वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ही हरा सकते हैं। अपने कैंडिडेट दरोगा प्रसाद के लिए मैं सिर्फ अपनी नहीं बता रहा हूँ, ये चुनाव जनता लड़ रही है, हर एक व्यक्ति लड़ रहा है, क्योंकि न तो रोज़गार किसी के पास है, महंगाई चरम सीमा पर है, प्राइवेट सेक्टरों में जितनी भी कंपनियां आप देख रहे हैं सब कुछ निजीकरण जो है, देख ही रहे हैं आप सारी चीज़ों को। इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी जितने भी हैं प्रदेश में सबको जिताएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनाएंगे। अभी वोट पड़ने में भी बहुत टाइम बची हुई है, वोट प्रतिशत कम जा रहा है जो है, आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए मैं लोगों से अपील की जहां तक बात है तो अपील जो करना था वो तो कर चुके हैं। अब मतदान हो रहा है, अब 4 तारीख का रिजल्ट जो है मैं सभी से कहूँगा कि अपने जो आप EVM मशीन है सील होने के बाद स्ट्रांग रूम में जाती है तो सारे के सारे लोग, जितने भी लोग हैं तो सारे लोग EVM मशीन को उसकी। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता अबुशाद अहमद की रिपोर्ट। ललितपुर के मडावरा तहसील के अंतर्गत किले के पास पर्यटन विभाग के द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसके निर्माण कार्य में देशी गुम में बालू की जगह डस्ट का प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है, जो कि मानक के अनुसार नहीं है। संबंधित एजेंसी व ठेकेदार और पर्यटन विभाग के अधिकारी
सरकारी धन का बनरबाट करने में लगे हुए मई मड़ाबरा के किले के पास निर्माण कार्य शासन के मानक के अनुसार नहीं हो रहा है। जहां पर शासन मानक के अनुसार निर्माण कार्य करने का ठेका दिया था, संबंधित एजेंसी और ठेकेदार को, वहीं शासन के मानक के विपरीत कार्य कर रहे हैं संबंधित एजेंसी व ठेकेदार। पर्यटन विभाग प्रभारी हेमलता ने कहा कि संबंधित एजेंसी व ठेकेदार को वार्निंग देंगे, कहीं ना कहीं पर्यटन विभाग अधिकारी की शिथिलता नजर आ रही है। मंडावरा किले के पास निर्माण कार्य में क्या इसी तरह बनरबाट करते रहेंगे ठेकेदार व संबंधित अधिकारी? आप कारीगरी कर रहे हैं? नाम क्या अपना? रामफल। अच्छा, ये जो टैंक बन रहा है ये कितने बाई कितने का है? 2.5 मीटर चौड़ाई, 5 मीटर लंबाई। अच्छा, इसमें जो गुम्मा कौन सा यूज हो रहा है? देसी गुम्मा। देसी गुम्मा कहाँ से आया जी? रनगांव से। अच्छा, और बालू की जगह डस्ट चल रही है? डस्ट चल रही है। अच्छा अच्छा, कौन से विभाग से है जी भैया? पता नहीं कौन से विभाग। पता नहीं से बन रहा भैया? पुरातत्व विभाग। तो इसमें डस्ट लगाई जा रही है और देसी गुम्मा, ऐसा प्रावधान है क्या? डीएम साहब देख गए हैं। कौन देख गया साहब? कौन साहब? डीएम साहब। कौन से विभाग के हैं? पुरातत्व विभाग से। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत पकरी गांव स्थित एक किराने की दुकान में शुक्रवार की देर रात चोरी करने गए 3 नाबालिग अमित किशोर और गिरजा भुइया आग से झुलस गए, जिससे नाबालिग अमित तूरी की मौत हो गई और 2 किशोर घायल हो गए। घटना के संबंध में ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार पकरी गाँव में बाल किशोर साव का एक किराने की दुकान है। शुक्रवार की देर रात 3 नाबालिग दुकान में चोरी करने गए थे। चोर मोमबत्ती जलाकर नकदी और कीमती सामान तलाश रहे थे। इस बीच एक नाबालिग का पैर दुकान में रखे पेट्रोल के गैलन से जा टकराया और उसके हाथ से मोमबत्ती छूटकर पेट्रोल के गैलन पर जा गिरा, जिससे पेट्रोल का डिब्बा मोमबत्ती के संपर्क में आया और आग लग गई। घटना के चीखने चिल्लाने की आवाज़ से गांव के लोग सोए हुए जाग गए और लगे आग को बुझाने की कोशिश करने लगे। इस दौरान ग्रामीणों ने घटना की सूचना थाना प्रभारी विक्रांत कुमार उपाध्याय को दी। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दलबल के साथ देर रात घटनास्थल पर पहुंचकर घायल को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा और मृतक अमित तूरी के शव को कब्जे में कर हर पहलू पर छानबीन में जुट गई। उधर घायल के अस्पताल पहुंचते ही चिकित्सक संजय कुमार सिद्धार्थ प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को गंभीरता से देखते हुए बादल भुइया को बेहतर उपचार हेतु रांची रिम्स रेफर कर दिया। चिकित्सक ने बताया कि घायल 75% से ज्यादा जल गया है। हालांकि पूरा मामला पुलिस जांच के बाद ही पता चल सकेगा। कैसे मिला? मेरा भतीजा मुकेश कुमार फोन किया 10 बजे रात को कि तुम्हारा दुकान में, मैंने आपका दुकान में आग लग गई। उसके बाद फिर आप अपने मोटरसाइकिल से मेरा छोटा लड़का के साथ हम लोग गए ना जी, तो वहाँ देखे कि दुकान में आग लगल है और ग्रामीण जनता लोग बुता रहे हैं उसको जी। ये लोग जो है क्या चोरी की नियत से गए थे? जी हाँ। कितने लोग थे? ग्रामीण एक आदमी तो वहाँ मृत पाया गया, एक आदमी झुलसा हुआ पाया गया, और वह मैंने झुलसा हुआ जो आदमी था उसके बयान के अनुसार बोला कि एक आदमी और था सो भाग गया। लगभग कितना का नुकसान हुआ है आपका दुकान अगर जला? लगभग 2 लाख रुपये का नुकसान हुआ है और ढलाई मकान था उसका छत करेक्ट कर दिया। आपका नाम क्या हुआ? बाल किशोर साहब। घर कहाँ? घर पकड़िए। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी पंकज चौधरी के समर्थन में उत्तर प्रदेश सरकार के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज सिसवा विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस, सपा एवं इंडी गठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि पूरी विपक्ष की नाव डूब चुकी है और उनका सूरज अस्त हो चुका है। वहीं डिप्टी सीएम ने बसपा नेता राकेश विश्वकर्मा सहित सैकड़ों लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। जनसभा के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें जीत रही है। 6वें चरण के चुनाव में कांग्रेस, सपा गठबंधन के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो रही है। इंडी गठबंधन पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, गरीबों, नौजवानों, किसानों, महिलाओं का दुश्मन है। इस गठबंधन को उखाड़ फेंकने का फैसला जनता ने कर लिया है। 2024 में नरेंद्र मोदी का तूफान चल रहा है। सपा, बसपा, कांग्रेस अस्त हो चुके सूरज हैं। इनका अब कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है।
आइए जानते हैं इस विषय में उत्तर प्रदेश सरकार उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आगे और क्या कुछ कहा। महाराजगंज सहित हम उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें जीत रहे हैं। आज जिन 14 सीटों पर मतदान हो रहा है वहां विपक्षी गठबंधन सपा कांग्रेस के गठबंधन की जमानत जब्त हो रही है। बसपा का वैसे भी खाता खुलने वाला नहीं है। जो नारा शुरू में दिया गया है उत्तर प्रदेश की इस बार 80 की 80, देश में 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार, ये जो विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन है ये विशेष तौर से पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का दुश्मन है, गरीबों का दुश्मन है, किसानों का दुश्मन है, नौजवानों का दुश्मन है, महिलाओं का दुश्मन है। इस गठबंधन को उखाड़ फेंकने का देश की जनता ने फैसला कर लिया है। और चारों तरफ मैं देख रहा हूं कि अगर 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी की लहर थी, 2019 में आंधी थी, तो 2024 में तूफान चल रहा है। सपा बसपा कांग्रेस अस्त हो चुके सूरज हैं, इनका अब कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। पश्चिम बंगाल में क्या नरेंद्र मोदी के 28 मई को रैली से पहले ही ममता बनर्जी ने वहां धारा 144 लगा दिया है? देखिए, वो धारा 144 लगावे चाहे 288 लगावे, इस बार पश्चिम बंगाल से TMC जा रही है, वहां एक तरफा जनता के आशीर्वाद से BJP आ रही है। तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए जैसा माहौल यूपी का है वैसा ही माहौल इस समय पश्चिम बंगाल का। ये जब 2022 का विधानसभा चुनाव हो रहा था तब ये सरकार बना रहे थे, दो विधायक जीते, एक प्रमोद तिवारी जी की बेटी जीती थी, एक आपके ही महाराजगंज के जीते थे। जो दो सीटों में सिमट करके रह गई कांग्रेस है, जो तीनों दल के लिए मैं कहता हूँ सपा बसपा कांग्रेस, ये ICU में पड़े हुए हैं, जनता इनको ऑक्सीजन नहीं देना चाहती है। सपा अगर सांपनाथ है, बसपा नागनाथ है, तो कांग्रेस कालिया नाग है। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा के साथ मानस कन्नौजिया की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां शहर के ताजिया चौक HDFC बैंक के समीप ओवरलोड गिट्टी से लदे ट्रैक्टर द्वारा मोटरसाइकिल को धक्का मारने की वजह से दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक पहचान एक बाबर शेख पिता मोरफुल शेख, दूसरा सेफा शेख पिता अजगर शेख, मुफसिल थाना क्षेत्र के गंधाईपुर गांव के रहने वाले चाचा भतीजा के रूप में हुई है। घटना नगर थाना क्षेत्र के ताजिया चौक के निकट HDFC बैंक के सामने घटी है। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही DSP सह नगर थाना प्रभारी अजय आर्यन अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर पुलिस और एम्बुलेंस विलंब से पहुंचा। इसको लेकर पुलिस को भारी भीड़ का आक्रोश झेलना पड़ा। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। वहीं मृतक के शव को JCB के द्वारा ट्रैक्टर को उठाकर निकाला गया। घटना के बाद शव को सड़क पर रखकर लोगों ने घंटों आवागमन को बाधित कर दिया है। वहीं स्थानीय और ग्रामीण के द्वारा पुलिस से वार्ता हुई, तब जाकर जाम को हटाया गया। DSP से नगर थाना प्रभारी ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। थोड़ी देर पहले, लगभग एक घंटा पहले इसका सूचना आई थी, एक ट्रक एक्सीडेंट में दो व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसा सुनने में आया कि एक व्यक्ति का तुरंत वहाँ पे घटना पे ही मृत्यु हो गई और दूसरा वाले अभी ट्रैक्टर में फंसे हुए। तो ये सूचना मिलते ही तुरंत से अपने टीम को भेजा गया, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी और जो ट्रैक्टर है वो माल से लदा हुआ था, इसके वजह से उसको निकाला नहीं जा रहा था। और नहीं निकालने की वजह से फिर JCB सबसे कॉन्टैक्ट करके और 20 मिनट लगभग उसको आने में लगा और वहाँ से फिर बॉडी को निकाला गया। सड़क क्योंकि मेन रोड पे एक्सीडेंट हुआ है तो स्वाभाविक है कि लोग आ गए। ये आक्रोश है, थोड़ा बहुत आक्रोश है। परिजनों का मांग, ये अभी बात नहीं हुआ, अभी जाम क्लियर करने पे हुआ है। ठीक है, परिजनों का मांग जो प्रोसेस है उसके थ्रू जाएगा सर। मामला नो एंट्री का पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।